और यहाँ तक कि उसमें उसमें ये भी लिखा कि मैं बीजेपी से हूँ, बीजेपी ज्वाइन कर ले। जो व्हाट्सएप के मैसेज हैं उनको पढ़ के बता पाना भी मेरे लिए एक संभव नहीं है। बहुत गंदी गंदी गालियाँ लिखी हुई हैं, किडनैप करवा लेने तक की बात लिखी हुई है, जान से मारने की धमकी उसने फोन व्हाट्सएप पे कॉल करके उसने दिया। गंदी राजनीति है, इस तरह की राजनीति बीजेपी को बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। बीजेपी की घटिया मानसिकता यहाँ से दिखती है कि बीजेपी आज के समय में अगर कहीं बीजेपी सबसे ज्यादा अगर किसी से डरी हुई है तो वो आम आदमी पार्टी है। लोकतंत्र का महापर्व अभी चंद दिन पहले ही हम सबने मनाया है। लोकतंत्र के पर्व के बाद एक शख्स, एक सज्जन को अपना मत जो देने के बाद में अपना ओपिनियन बताना इतना महंगा पड़ गया कि उनको एक धमकी भरा मैसेज मिला, और मैसेज भी ये कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो वरना उठा लिया जाएगा, और भी कई सारा, यानी आप बातचीत में आगे देखेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं संजीत विश्वकर्मा जी, ये एक अच्छे व्यवसायिक हैं और ये आर्मी में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वर्तमान में राजनीति में भी अच्छा पैर जमा चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी इन्होंने आप पार्टी की ओर से लड़ा था। हम उनके ऑफिस पहुंचे हैं और जानना चाह रहे हैं कि जो व्हाट्सएप में इनको जो मैसेज मिला है एक तरह की धमकी, वो किस तरह की थी? सर बताएंगे, आपका पहले स्वागत है, और बताएं कि किस तरह की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने अपने चैनल पे मुझे मौका दिया है। और जैसा कि आपने अभी व्हाट्सएप की घटना के बारे में सुना है, तो व्हाट्सएप पे मैंने मतदान के बाद में अपना एक सेल्फी पिक डाला था कि मैंने इस बार अपना वोट इंडिया गठबंधन को दिया है। उससे नाराज होकर किसी अननोन व्यक्ति ने किसी अज्ञात नंबर से मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर मेरे साथ बहुत ही अभद्रता, और यहाँ तक कि उसमें ये भी लिखा कि मैं बीजेपी से हूँ, बीजेपी ज्वाइन कर ले। हालांकि मैं आपको सरल शब्दों में ये बात बता रहा हूँ, जो व्हाट्सएप के मैसेज हैं उनको पढ़ के बता पाना भी मेरे लिए एक संभव नहीं है। बहुत गंदी गंदी गालियां लिखी हुई हैं, किडनैप करवा लेने तक की बात लिखी हुई है, जान से मारने की धमकी उसने फोन व्हाट्सएप पे कॉल करके उसने दिया। ये बहुत ही गंदी तरीके की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी के। पीछे बोलना चाहूंगी, जो मैसेज आए हैं जिस नंबर से, क्या आप उस नंबर को जानते हैं, उस शख्स को जानते हैं? जी नहीं, मैं अज्ञात, मैंने आपको पहले ही बताया, उस नंबर की जानकारी मैंने स्क्रीनशॉट लेकर तत्काल थाना निवई में मैंने दिया। और मैं इस बात के लिए सबसे पहले तो निवई थाना प्रभारी को और उनके स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने FIR दर्ज कर इस पर जांच चालू कर दी और कार्रवाई की। तो कहां तक पहुंची जांच अभी अगर देखा जाए तो? जी अभी जांच जारी है और इसके बारे में अभी थाने से मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जैसे आपका हम परिपेक्ष आपकी वो जाने, आप आर्मी में सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में भी कुछ समय महीनों पहले जो विधानसभा चुनाव था उसमें दावेदारी भी आपने की है, तो आप पार्टी से आपने उम्मीदवारी की थी, आप दावेदारी आपकी आपसे थी, क्योंकि उस वक्त में भी इस तरह की कोई बातें सामने आई थी? देखिए उस समय तो नहीं, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के पहले मुझे लगातार 2-3 महीने से बीजेपी ज्वाइन करने के लिए मतलब मुझे बोला जा रहा था। लेकिन जो इस बार जो कृत्य किया गया उस बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर नेता द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है, और इस तरह की ओछी मानसिकता तो बिल्कुल किसी भी राजनीतिक पार्टी की किसी नेता में नहीं होनी चाहिए। हाँ, साधारण तौर पे बीजेपी के बहुत से नेता मेरे अच्छे मित्र भी हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, वो लोगों ने भी कई बार बात रखी, मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी से निकालें, उनका खुलकर विरोध करें, टिकट के लालच में गंदे लोगों की सपोर्ट ना करें, उनका भी विरोध करें। निवई थाने में शिकायत करने के बाद नंबर आइडेंटिफाई की गई होगा, तो क्या सामने आया, क्या उस नंबर की अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिल पाई है अभी इसके बारे में थाने से। उनके परिजन कोई आए थे, ऐसा सामने आया था, कुछ सुनाई आ रहा था कि नंबर जिसका है उस नंबर के आधार पे जो वास्तविक नंबर का जो मालिक था, समझ जिसका नंबर है उसके घर से कोई आया था? जी अभी मेरे से मुलाकात नहीं हो पाई, मेरे अनुपस्थिति में एक दो बार पहुंचे थे वहां पर, लेकिन मुझसे मुलाकात नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही गंदी राजनीति है, इस तरह की राजनीति बीजेपी को बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। आपने जैसा कि देखा है पूरे देश भर में कई राज्यों में बीजेपी ने लगातार तोड़ फोड़ कर बहुत से बड़े बड़े नेताओं को, छत्तीसगढ़ में ही आपने देखा होगा पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जो कांग्रेस की रही है उनका बीजेपी में नाना करते उन्होंने प्रवेश कर ही लिया, दिल्ली में आपने देखा होगा, इसी प्रकार से कई राज्यों में उन्होंने सरकारें गिरा दी, कई जनप्रतिनिधियों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया। इस बार तो मेरे पास सबूत है, मैंने पूरे सबूत के आधार पर मैंने ये FIR दर्ज की है, और बीजेपी की घटिया मानसिकता यहां से दिखती है कि बीजेपी, मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा वो करते भी हैं तो ये इस तरह की घटिया राजनीति बंद करें। आप पार्टी का वजूद देखा जाए तो आप पार्टी के हाईकमान ही अभी घेरे में है, उनकी जमानत अभी हुई है, सुनवाई हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए आम आदमी पार्टी आपको बताएं कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, निश्चित ही आपने देखा होगा आजादी के पहले भगत सिंह जी थे जिन्होंने देश के लिए अपना प्राण न्योछावर कर दिया, तो जेल जाना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ये तानाशाही का एक परिचय है
किस तरह से बीजेपी तानाशाही कर रही है पूरे देश भर में कि जो नेता उनकी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे उनको तिहाड़ जेल भेज दिया जा रहा है। तो ये इसी के संदर्भ में हमारे केजरीवाल जी को, हमारे नेताजी को भी उन्होंने जेल में डाला, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट में आज उन्हें जो एक रियायत मिली है, जो एक उन्हें रिलीफ मिला है कि 1 जून तक वो अंतरिम जमानत पर बाहर आएंगे, तो ये एक कहीं ना कहीं न्याय की जीत है, सत्य की जीत है ये। संजय सर, जैसा कि देखा गया ईडी ने काफी कांग्रेसियों को परेशान किया और भी 10 लोगों को जो बिजनेसमैन थे और जो राजनीतिज्ञ थे उनके घर दबिश देकर उनको हलाकान करना, परेशान करना, ये ऐसा उनका कहना था, उनका तथ्य था। और अभी आम आदमी पार्टी के आपके हाईकमान को ठीक लोकसभा चुनाव के पहले उन पर शिकंजा कसना क्या दर्शाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के समय में अगर कहीं बीजेपी सबसे ज्यादा अगर किसी से डरी हुई है तो वो आम आदमी पार्टी है। चूंकि आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता श्री केजरीवाल जी हैं, उनको जेल भेजना ही इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं डरती है तो मात्र अरविंद केजरीवाल जी से डरती है। रही बात की जिन ईडी के झूठे आरोपों पर और जो एक सरकारी गवाह जिसने कि बीजेपी को खुद ही इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है, जो सरकारी गवाह बन गया और उसके बाद उसकी जमानत हो गई, आज वो सरकारी गवाह बनकर बाहर घूम रहा है, तो इससे पूरे देश को पता चल चुका है कि इसमें आरोपी है कौन। एक्चुअल में शराब नीति का पैसा खाया बीजेपी ने, आरोप लगाया किसी और के ऊपर, और आज हमारे नेताजी को जेल में भेजने के पीछे उद्देश्य यह था कि लोकसभा इलेक्शन में उनका प्रतिद्वंदी कोई भी ना हो। झारखंड के मुख्यमंत्री जी को भी देख लीजिए आप, उन्होंने जेल भेज दिया। आज हमारे दिल्ली के सीएम जी को उन्होंने भी जेल भेजा, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, अभी भी देश में है और न्याय की उम्मीद बाकी है। जैसा कि माफी चाहूंगी, ये कहना चाहूंगी, दबे स्वर में शहर में ऐसी चर्चा है या कानों में ही सुबुकाहट है कि आपको इस तरह का धमकी भरा व्हाट्सएप में चैट आना, आप भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव आपका है और ये स्टंट अपना रहे उधर जाने के लिए। देखिए, ये बीजेपी की मैं घटिया राजनीति कहूंगा अगर इस तरह का अगर उन्होंने कहीं पे अगर वक्तव्य दिया है तो। बीजेपी ऐसा, बीजेपी में कुछ भी नहीं है कि वो उनकी पार्टी में कोई ज्वाइन करे। रही बात की देश हित में काम करने की, तो देश हित का काम तो वो कर ही नहीं सकते। इस पूरे चुनाव प्रचार में आप देख लीजिए, सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम पे इन्होंने चुनाव लड़ा है, कहीं पे भी स्कूल के नाम पर, कहीं पे भी इन्होंने एजुकेशन के नाम पर, कहीं पे भी रोजगार के नाम पर इन्होंने चुनाव में प्रचार करते हुए देखा हो आप लोगों ने, तो बताएं इस बात से। तो ऐसी पार्टी में मैं तो जाने से अच्छा राजनीति छोड़ देना पसंद करूंगा। इसी दर्शकों से कुछ कहना चाहिए? मेरा दर्शकों से सिर्फ यही एक अपील है कि इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अगर करती है, आप लोगों को कहीं नजर आता है किसी के ऊपर दबाव बनाते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग या फिर इनके नेता या फिर कहा जाए तो सीधे शब्दों में इनके गुंडे जो अगर नजर आते हैं, तो आप लोग खुलकर विरोध करें। और बीजेपी के अच्छे नेताओं से भी मेरा यही निवेदन है कि गलत नेताओं को अपनी पार्टी में जगह न दें, उन्हें बाहर करें। और बस इतना ही कहकर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो ये कृत्य हुआ है, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के उन आलाकमान के नेताओं को ये कहूंगा कि इस पे जो भी प्रतिक्रिया है आप जल्द से जल्द दें। अगर ऐसी इस घटना पर अगर कोई प्रतिक्रिया आप नहीं देते हैं, ये माना जाएगा कि आपकी मौन स्वीकृति है इस पर कि आपने ये घटना, इस घटना को करवाया है, आपका ये साजिश है कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आऊं। तो मैं बस आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोग इसमें प्रतिक्रिया दें और जांच में सहयोग करें ताकि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए। तो संजय विश्वकर्मा खुले शब्दों में बता रहे हैं कि इस तरह का जो कृत्य किया है उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर शिकंजा कसा जाए और इनका ऐसा कोई मन नहीं कि अपनी पार्टी छोड़कर ये दूसरी पार्टी को ज्वाइन करें। नमस्कार।